नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज जीसीआर चूरू क्लासेज में आपका मैं शीश राम स्वागत करता हूँ। आज की अपने इकोनॉमिक्स क्लास का विषय है अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र का स्वभाव, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय यह है कि यह विषय विज्ञान का है, कला का है, कला अथवा विज्ञान दोनों का है, विज्ञान का है यह विषय, कला का है या विज्ञान एवं कला दोनों का है, विज्ञान एवं कला दोनों का है। आज हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, अर्थशास्त्र विषय को हम किस श्रेणी में रखते हैं, किस यानी विज्ञान में रखते हैं, कला में रखते हैं, विज्ञान एवं कला दोनों में रखते हैं, आज इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर ये विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, तो सबसे पहले हम करेंगे अध्ययन करेंगे कि विज्ञान क्या होता है, व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध रूप है जो किसी विशेष घटना के कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है, कारण और परिणाम, विज्ञान कारण और परिणाम, परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है विज्ञान। तो विज्ञान कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं, अर्थशास्त्री देखते हैं कि कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है, कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है, इसमें कीमत का बढ़ना कारण है और मांग मात्रा घटना परिणाम है, कारण और परिणाम। और जैसे किसी वस्तु की हम अधिक मात्रा खरीदते हैं तो उसकी उपयोगिता घटती है, ये कारण और परिणाम संबंध स्थापित करता है। अब पाइन के, पाइन के लिए विज्ञान तथ्यों द्वारा निर्मित होता है। जिस प्रकार एक मकान ईंटों द्वारा निर्मित होता है, परंतु तथ्यों का एकत्रित करना ये विज्ञान नहीं है, उसका क्रमबद्ध होना जरूरी है। जैसे कंकड़ के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, उसका क्रमबद्ध क्या हुआ रूप ही मकान होता है। तो विज्ञान क्या है, तथ्यों का क्रमबद्ध रूप है। विज्ञान की विशेषताएं, विशेषताएं क्या है विज्ञान की, इसमें होता है तथ्यों का एकत्रित करना, विज्ञान तथ्य है एकत्रित हो, तथ्य है एकत्रित हो। दो नंबर पर माप किया जा सकता है विज्ञान में, वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण होता है और फिर इनको मापा जा सकता है। नंबर तीन पर व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि क्रमागत अध्ययन होता है, कारण और परिणाम स्पष्ट है, इसमें विज्ञान में करने होते हैं, तो इसलिए विज्ञान में व्याख्या की जा सकती है। और चार नंबर पर है, इसमें सत्यता की जांच की जा सकती है। विज्ञान में कोई चीज हो हम उसको सत्यता के द्वारा परख सकते हैं विज्ञान में, तो ये विज्ञान की विशेषताएं हैं। अब हमें ये अध्ययन करना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं। तो विज्ञान की विशेषताएं अगर हमने ये पढ़ी है, अगर इन विशेषताओं में अर्थशास्त्र शामिल होता है तो विज्ञान है अथवा नहीं, तो अर्थशास्त्र विज्ञान है होने के पक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क। एक नंबर, इसमें क्रमागत अध्ययन होता है, जो विज्ञान की विशेषताएं हैं वो अर्थशास्त्र की, ये अर्थशास्त्र में ये विशेषता लागू होती है कि क्रमागत अध्ययन, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व, इनका क्रमागत अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान का विषय है। नंबर दो, वैज्ञानिक नियम, कारण और परिणाम स्पष्ट करता है विज्ञान। तो अर्थशास्त्र में जैसे किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घटती है, ये वैज्ञानिक नियम, कारण और परिणाम को भी
स्पष्ट रूप करता है अर्थशास्त्र। नंबर तीन, नियमों की जांच। अर्थशास्त्र नियमों की जांच करता है, जैसे घटते प्रतिफल के नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये अर्थशास्त्र में होते हैं। और विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है तो अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे फसल एवं उत्पादन के संबंध में भी अर्थशास्त्र में भविष्यवाणियां की जा सकती है, इसलिए अर्थशास्त्र विज्ञान का विषय है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं, इन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान का विषय है। अब वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान क्या होता है? वास्तविक विज्ञान कारण और परिणाम को स्पष्ट करता है, कॉज एंड इफेक्ट को स्पष्ट करता है, वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है। क्या है, व्हाट इज, क्या है का अध्ययन करता है और तर्क भी देता है वास्तविक विज्ञान। जैसे जहर खाने से मृत्यु होती है, ये बताता है। अब जहर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये वास्तविक विज्ञान नहीं करता। जहर खाना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये वास्तविक विज्ञान हमें नहीं बताता। तो वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान क्या होता है? आदर्श विज्ञान उपदेश देता है, इसमें भावुकता का भाव है। उसमें वास्तविक विज्ञान में व्हाट इज क्या है और इसमें आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें भावुकता का भाव है। तो अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है? तो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों में मतभेद होते हैं। जैसे परिभाषाओं के आधार पर हमने अध्ययन किया था कि वारूला उटल ने लिखा था कि जहां छह अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहां सात मत मिलते हैं। अर्थशास्त्री की परिभाषाओं के संबंध में ही मतभेद है, तो अर्थशास्त्रियों में इसके नियमों सिद्धांतों में भी मतभेद है, इसलिए अर्थशास्त्र को हमें वास्तविक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान नहीं कह सकते। निश्चित नियम नहीं होते, जैसे प्राकृतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, प्राकृतिक विज्ञान का नियम है। ये कहीं पर है, कोई कौन से स्थान पर करो ये नियम लागू होता है। गुब्बारों में हाइड्रोजन भरी जाती है और वो गुब्बारे ऊपर उठते हैं, ये प्राकृतिक विज्ञान का नियम है। अर्थशास्त्र में निश्चित नियम नहीं है, अर्थशास्त्र अन्य बातों समान रहने की मान्यता पर आधारित है, सेटेरिस पारिबस, तभी ये नियम लागू होंगे। तो इसमें आदर्श का भाव है। सेलिगमन ने लिखा है अर्थशास्त्र के नियम काल्पनिक होते हैं। सेलिगमन ने लिखा कि अर्थशास्त्र के नियम काल्पनिक होते हैं। प्रोफेसर वाघ, अर्थशास्त्र के नियम गुणात्मक होते हैं न कि परिमाणात्मक। जैसे प्राकृतिक विज्ञान में H2O को दुगुना करने पर पानी दुगुना बन जाता है और आधा करने पर आधा बन जाता है, ये प्राकृतिक विज्ञान का नियम है। ये परिवर्तन है, आदर्श विज्ञान के नियम में परिवर्तन की दिशा बताते हैं, परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताते। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना सरल है, निश्चित है, गुरुत्वाकर्षण नियम से नहीं की जाकर ज्वार भाटे के नियमों से करनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण से नियम से नहीं, ज्वार भाटे के नियमों से करनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम तो निश्चित और ज्वार भाटे के नियम क्या होते हैं, कम निश्चित होते हैं, इस पर प्रभाव पड़ता है हवा का रुख, चंद्रमा की गति, आंधी एवं तूफान। जिस प्रकार आदर्श विज्ञान का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, ठीक है, इसमें चेंज हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी स्थान पर अगर कीमत बढ़ने पर जैसे नियम के विपरीत भी हो सकता है, अन्य बातें समान रहने पर लागू होता है, वो ज्वार बाटे के नियम जैसे ही होगी बात।
आर्थिक नियम काल्पनिक होते हैं, अनिश्चित अपूर्ण होते हैं और अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर ही लागू होते हैं, तभी ये नियम तो अर्थशास्त्र है आदर्श विज्ञान। यहां वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, अब आपको मालूम भी हो गया होगा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है एवं आदर्श विज्ञान। अब कला, कला क्या है? कला आर्ट, कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्य या आदर्शों की प्राप्ति के लिए विधियों या उपायों का ज्ञान कराती है। किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया कला है। कला एक ऐसा पुल है जो विज्ञान एवं आदर्श को मिलाता है। वास्तविक विज्ञान क्या है? आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कला एक ऐसा पुल है जो वास्तविक विज्ञान एवं आदर्श को मिलाता है। कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया कला कराती है। अब अर्थशास्त्र कला है अथवा नहीं? अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क। नंबर एक, व्यवहारिक अर्थशास्त्र कला का प्रतीक है। मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व और कल्याणकारी अर्थशास्त्र का महत्व आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो अर्थशास्त्र कला का विषय है, कह सकते हैं पक्ष में तरह। दो, अनेक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक होती है, जैसे बैंक दर, विनिमय दर, मुद्रा एवं साक्ष्य दर, ये विशुद्ध आर्थिक होती है, कला का प्रतीक है। तीन नंबर, आर्थिक नियोजन में अर्थशास्त्र कला है, इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो अर्थशास्त्र की कला होने के पक्ष में तर्क। पहला, व्यवहारिक अर्थशास्त्र कला का प्रतीक है। नंबर दो, अनेक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक होती है। तीन, आर्थिक नियोजन में अर्थशास्त्र कला का भाव देता है या कला का प्रतीक है। विपक्ष में तर्क, अर्थशास्त्र कला नहीं है, कला और विज्ञान एक दूसरे से